everything you felt something. हेलो गाइस, आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों अभी शाम के 7 बज रहे हैं और आप देख सकते हो तीनू यहाँ, और ये रही ज्योति जो कि दोनों अपना होमवर्क कर रहे हैं, और टिमलू की जो मम्मी है वो दोनों को पढ़ा रहे हैं। और मेरा काम क्या है, मैं जा रही हूँ अपना खाना बनाने। आज खाने में रोटी और सब्जी बनने वाला है। सो गाइस, आज हम लोग गए थे मार्केट, जो टिमलू का बहुत जल्द बर्थडे आने वाला है, एक दो सप्ते के अंदर टिमलू का बर्थडे है, तो उसी की शॉपिंग करने के लिए गए थे। आजा बर्थडे बॉय। तो गाइस, ये रहा बर्थडे बॉय, और इसके लिए ड्रेस वगैरह लेने गए थे और बाकी सामान इसका आने वाला है। ओ क्या खुशी है बर्थडे की। टिमलू तुम्हारा दांत क्यों नहीं है, टिमलू तुम्हारा दांत क्यों नहीं है, गजब बेइज्जती है। तुम्हारा दांत क्यों नहीं उगता टिमलू, मुझे क्या पता, मुंह से बोलना कुछ तो बोल। गाइस, आज टिमलू का मौन व्रत है इसका जन्मदिन आने की खुशी में। इसने फास्ट रखा है नहीं बोलने का, लेकिन खाएगा सब कुछ। तुम्हारा दांत दिखा तो। तुम्हारे लिए कमेंट आया था कि टिमलू का दांत बहुत अच्छा लगता है। तुम्हारा दांत क्यों नहीं उगता टिमलू, वो कह रहा है कि वो बचपन से ही उसका दांत नहीं है, सब चॉकलेट खा के उड़ गया दांत, सोने जा रहा है खाना खा के, लिपस्टिक लगाएगा, ब्रश नहीं करता इसलिए दांत नहीं है, लिपस्टिक लगाता है इसीलिए। बर्थडे बॉय गूंगा बोल हो गया है तो। सो गाइस, अभी हमारी जो बड़ी दीदी है उनका फरमाइश आया है कि चाय बनाया जाए, तो मैं जा रही हूँ चाय बनाने। चीनी कम डालना कमेंट करके होली दूध दे देना। ए छोड़ दादा, कमेंट करके, कमेंट करके। कल तुम्हारे लिए चटनी और वो सब आया था, झाल चटनी सॉस। छोड़ गाइस, ये देखिए टिमलू का जींस और ऊपर का वो हम दूसरे दिन दिखाएंगे।